सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मांझनी के लाल, तेरी लीला बड़ी कमाल, फेर दे जो एक नजर, हो जाए मेरा जीवन निहाल। जय माँ अंजनी के लाल। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिसकी शान है, बजरंगबली जिसकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। जय बजरंगबली। आज का पंचांग 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र दोपहर 12:41 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:55 से 3:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात्रि 1:10 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जयंती यानी कि बजरंगबली का जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल यानी आज मनाई जाएगी। हनुमान जयंती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल यानी आज सुबह 6:06 से 7:40 तक है। इसके बाद आप दोपहर में 12:24 से 1:58 तक पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को 5:07 से 8:07 तक का भी पूजा का मुहूर्त शुभ है। सिंह राशि 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार, शिक्षा या आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने से जुड़े कोई यात्रा आपके कार्ड्स में है। शब्दों चित्रों कला या संगीत के माध्यम से अपने विचारों को साझा करें। करियर में बदलाव हो सकता है और आर्थिक दबावों को भी महसूस करेंगे। दुर्घटना चोट या बीमारी से बचने के लिए ध्यान से यात्रा करें। वित्तीय सुरक्षा आज आपकी सूची में पहले नंबर पर रहेगी। अगर आप व्यापार में कोई जोखिम लेने वाले हैं तो सोच समझकर ही निर्णय लें। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है किंतु लालची ना बने। मनुष्य का हर एक दिन भगवान का उपहार है। हर दिन एक अच्छा अवसर है जीवन में कुछ नया या अच्छा करने के लिए। किसी पारिवारिक सदस्य की तरफ से कोई संतोषजनक सूचना मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। कोई भी निर्णय लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम लें, क्योंकि भावुकता में कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य संबंधित योजना भी बनेगी। अधिकतर कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन जिस बड़े उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें समय लग सकता है। तनाव और थकान दूर करने के लिए परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करनी होगी। जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ का बातचीत बढ़ेगी उसी प्रकार से शिक्षा सुधरेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को बदलाव सोच समझ कर ही करना होगा। पति पत्नी मिलकर परिवार संबंधित समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। बदन दर्द और सिर में भारीपन भी रहेगा। सावधानियां। विपरीत परिस्थिति में विचलित होना उचित नहीं है। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी, परंतु तनाव लेना इसका हल नहीं है। उचित समय का इंतजार करें। आप अपनी ही किसी जिद की वजह से अपना नुकसान कर बैठेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी व्यक्ति समस्याओं को आपसे सामंजस्य द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। आपका जीवन साथी पूरी तरह से समर्पित है और हमेशा आपके साथ रहने वाला है। परिवार को धन का घाटा हो सकता है, इससे बचने के लिए सोच समझकर धन व्यय करें। आप आज शानदार जीवन शैली की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे आपको नाम शोहरत और पैसा सब कुछ मिले। इन सब का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। जीवन साथी का साथ रोमांटिक डिनर की संभावना है। जब चाहत का जादू सिर चढ़कर बोलता है तो पूरा संसार रंगीन और खूबसूरत लगता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। बात करते हैं करियर की। साहस भरी छोटी यात्रा आपका इंतजार कर रही है, जिसका आप छोटे भाई बहनों के साथ आनंद लेंगे।
लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित न होकर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। संचार के साधनों से आप सफलता के नए रास्ते खोल सकती हैं। आज छोटी छोटी बातों से चिंतित न हो। आज एक गहरी सांस आप गहरी सांस लेकर यह निर्धारित करें कि आप क्या हासिल करना चाहती हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कौशल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और तर्कसंगत रहें। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें और नए तकनीकों के प्रयोग से पहले नवीनतम मांगों का ध्यान रखें। महत्वाकांक्षी बने लेकिन लालच से बचें। बात करते हैं सेहत की। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योग और व्यायाम पर उचित ध्यान दें। बदन दर्द और सिर में भारीपन भी रहेगा। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।